नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको चमत्कारी स्विच वर्ड दूंगा। स्विच वर्ड वो क्या है, जैसे अभी यहाँ पे लाइट जलानी है, यहाँ पे स्विच दबाऊंगा, कुछ मेरे को लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना कि बल्ब लगाना है, फिटिंग करनी है, ये करना है, 50 काम होते हैं तब जाके लाइट जलती है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्विच दबाना है। ऐसे ही हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए पहले ही प्रोग्रामिंग हो जाती है सामाजिक तौर पे। तो ऐसे स्विच वर्ड दूंगा जिनको आप दबाएंगे और काम आपका चमत्कारिक तरीके से हो जाता है, चुटकी में ऐसे चमत्कार आप देखेंगे जो आप केवल सोचे होंगे आपने या सुने होंगे या शायद आपने कल्पना भी ना की हो, ऐसे ऐसे काम। और इसमें दो ऐसी सुनहरी चाबियां भी दूंगा जो जीवन की हर समस्या को गायब कर देंगी, बड़ी से बड़ी चीज को। जीवन आपका ऐसे हो जाएगा जैसे कोई महाराजा हो किसी राज्य का। दो चाबियां दूंगा, दो सुनहरी चाबियां, लेकिन वो बीच में ही दूंगा वीडियो के, उससे पहले स्विच वर्ड किस किस काम के लिए। तो मैंने कुछ चीजें आपको लिख के रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डर के लिए। कुछ लोगों के डर रहता है, डर किस चीज का, अज्ञात डर, पता ही नहीं, या पता भी होता है फलानी चीज का डर, ये हुआ है तो ऐसा ना हो जाए, ये हो ऐसा ना हो जाए, कल भविष्य कैसा होगा, चिंता, आप कहीं गए हैं तो फलाना व्यक्ति मुकर ना जाए, ऐसा ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, हजारों तरह के डर हो जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हुई है कि जिसमें आपको तेज डर लग रहा है, एकदम उससे बाहर निकलना है, वो छोटी चीज के लिए भी हो सकता है, बड़ी चीज के लिए भी हो सकता है। उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, उसके लिए स्विच वर्ड कैसे काम करते हैं, जैसे ही आप इधर करेंगे वो क्विक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके, क्योंकि परमात्मा ने हर ऊर्जा हर शक्ति हमारे भीतर भर रखी है, तो भीतर आपके जाके उस ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और आपको ऊंचे लेवल पे ले आते हैं। स्विच वर्ड वो जादू है जिसके लिए लोग हजारों हजारों रुपए खर्च करके तब जाके ये कोर्स करते हैं। वो सारे स्विच वर्ड करके आपको पूरे का पूरा कोर्स यहाँ पे करवाऊंगा। और एक दो नहीं, जीवन में जितने प्रकार की समस्याएं या कुछ भी होती हैं, हर चीज के लिए स्विच वर्ड दूंगा। कोई लंबे चौड़े काम ही नहीं करने, 2-4-5 मिनट आप स्विच वर्ड बोलेंगे, काम हो जाएगा। ये लगा के चलें कि 95% तक आपको सक्सेस मिल जाती है इसमें। 5% कुछ दूसरे लंबे गहरे कारण हो तो अलग बात है, 95% आपके काम इसमें हो जाते हैं। तो जिनको डर रहता है किसी भी प्रकार का, उसके लिए दो स्विच वर्ड आप बोल सकते हैं। कितनी देर बोलने होते हैं, बस ये 2-4-5 मिनट। अगर टेम्परेली डर लग रहा है, किसी बड़े व्यक्ति के पास गए हैं काम से ना मुकर जाए, या वैसे ही आपका दिल एक तरह कबूतर की तरह एकदम डर घबराहट ज़्यादा हो गई है, तब उसके लिए क्या बोलना है, शील्ड 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 शील्ड, या प्रोटेक्शन 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 प्रोटेक्शन। कितनी देर, 2-5 मिनट, आप पाएंगे वो सारा डर घबराहट निकल गया, आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए। किसी को भविष्य की चिंता रहती है, ऐसा कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कुछ भी हो, आप रोज 5 मिनट भी इसको मंत्र की तरह जप लेंगे, क्योंकि ये स्विच वर्ड है, 5 मिनट भी इसको जप लेंगे, आप उन नेगेटिविटी डर घबराहट से बाहर आ जाते हैं। तो अगला, भविष्य की चिंता रहती है, भविष्य की बहुत गहरी चिंता रहती है, ये कैसे होगा, नौकरी पेशा कारोबार, ये कुछ भी, उसके लिए स्विच वर्ड सुनहरी भविष्य, सुनहरी भविष्य, सुनहरी भविष्य, सुनहरी, गोल्डन फ्यूचर, गोल्डन फ्यूचर, गोल्डन फ्यूचर, गोल्डन, बस 5 मिनट इसे जप लें, ये मंत्र है, तुरंत आपकी ऊर्जा सक्रिय कर देगा और आपका भविष्य सुनहरी ही होगा, चाहे ग्रह खराब हो, चाहे कुछ और हो, या कोई और दोष लगा हो, लेकिन भविष्य आपका सुधर जाएगा, आपकी चिंता डर घबराहट भी खत्म हो जाएगी, काम भी अपने आप होने लगेंगे। उसके बाद गुस्सा आता है, बच्चा हो बड़ा हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कंट्रोल ही नहीं हो पाता। अगर तो कोई साधक है तो धीरे धीरे परमात्मा उसको ऐसी स्टेट में ले आता है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन इत्यादि उसका चला ही जाता है लगभग। तो चाहे कोई भी हो, उसके लिए गुस्सा आपको टेम्परेली आता है या लंबा आता है, ज़्यादा जले भुने रहते हैं कुछ लोग, तो दिव्य शांति, दिव्य शांति, दिव्य शांति, डिवाइन पीस, डिवाइन पीस, डिवाइन पीस, अंग्रेजी में बोलना है तो डिवाइन पीस, और हिंदी में बोलना हो
दिव्य शांति, दिव्य शांति, दिव्य शांति, दिव्य शांति, दिव्य शांति। अगर ये थोड़ा मुश्किल लगे और शॉर्ट करना हो तो शांति 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 5 मिनट करें, आप पाएंगे 2-4-5 दिन में कि गुस्सा आपका परमानेंटली बहुत कम हो गया। 5 मिनट भी आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, आप 2-4 मिनट करेंगे आप पाएंगे उसी टाइम पे गुस्सा एकदम कम हो गया या पूरी तरह चला ही गया। उसके बाद जिन लोगों को ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता, मन पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सबसे उसमें आ रही है, तो क्या करेंगे इतना गहरा। अभी आपको मैंने दिव्य शांति बोला तो उसकी वाइब्रेशन तुरंत से मेरे को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि एक बड़ा सकारात्मक शब्द बोला है, तुरंत उसकी वाइब्रेशन आके मेरे अंदर सक्रिय हो गई। मैंने कितनी बार 10 सेकंड नहीं बोला होगा, आप 2 मिनट बोलेंगे उसकी क्लियर वाइब्रेशन को, क्योंकि ऊर्जा ही है सब कुछ। जीवन हर क्षेत्र से ऊर्जा है, ध्वनि है, जैसी ध्वनि पैदा करेंगे वैसा जीवन हो जाएगा। कुछ लोग रोंदू राम होते हैं, उनका शक्ल ही ऐसे हो जाती है जैसे बस रो ही रहे हैं हर टाइम, कैसे है चल रहा जीवन, अरे मर गए, ये हो गया, डुबा दिया, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, हर समय इतने रोते रहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कबाड़ घर बना के रख लेते हैं, बस रोते ही रहेंगे। तो अंदर क्या डाल रहे हैं, कचरा। पैदा क्या होगा कचरे से, कचरा। भविष्य कैसे बनेगा, कचरा। फिर जीवन कैसे बनता है, कचरा। क्या डालें अंदर, सुनहरी डालें, परमात्मा की कृपा डालें, पॉजिटिवी, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, इस वाइब्रेशन के कोड भीतर डालें तो वही पैदा होगा। जीवन कैसा होगा, जैसा इंद्र का होगा स्वर्ग में, ऐसा जीवन हो जाएगा। तो जिनका ध्यान नहीं टिकता उसके लिए गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति। जब भी पाठ भजन मेडिटेशन करने से पहले 5 मिनट आप मंत्र की तरह रट लें, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा मंत्र जाप करते हैं ध्यान नहीं टिकता या मेडिटेशन करते हैं तो। वैसे तो इसके लिए रेकी सर्वोत्तम है, और रेकी का एक लेवल यहाँ पे फ्री में बताया हुआ है, बिना किसी अट्यूनमेंट के आपका वो हो जाता है। उसको वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है रेकी कैसे करें, कैसे सीखें, उसको देख के आप करेंगे क्लियर एक ही दिन में। 99% लोग एक ही दिन में क्लियर वाइब्रेशन फील करते हैं और देखते हैं कि वाकई चमत्कार है, रेकी से बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं। तो एक लेवल तो फ्री में बताया हुआ है। तो इसका गहरी शांति, गहरी शांति, पहले 5 मिनट आप कर लें, 2-4-5 मिनट आप पाएंगे ध्यान ऐसा लगा कि जीवन में शायद कभी कभार ही भगवान कृपा से ऐसा ध्यान लगता है। तो उससे आगे जिनको कुछ ना कुछ दर्द, बीमारी, रोग, दोष, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, दिन में एक दवाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 20 दवाइयां खा रहे हैं या दिन में 20 बार खा रहे हैं, कभी ये वो इस तरह का जिनको चलता ही रहता है, वो क्या करेंगे, दिन में 2-5 मिनट जब भी वो उनके पास समय हो तो एक स्विचवर्ड क्या, क्योर, 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 जड़ से ही क्लियर हो गई वो चीज़, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। पूरे सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज आ रहा है, मैं बिल्कुल निरोगी हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बाबा रामदेव से भी 100 गुना ज़्यादा तंदुरुस्त हूँ, क्योर, 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 लगातार। अच्छा, इसके अलावा किसी का पैसा फंस गया, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं चल रहा, शादी है पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा, बच्चों की एडमिशन है पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा, या किसी भी प्रकार से किसी से पैसे लेने हैं वो दे नहीं रहा, प्रॉपर्टी है बिक नहीं रही, जीवन में किसी भी चीज़ में जो काम आपको लगता है कि बिना चमत्कार के ये संभव नहीं है, तो उसके लिए स्विचवर्ड, कैसा भी काम हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पैसे का हो, सामाजिक हो, कैसा भी हो, तो क्या स्विचवर्ड बोलेंगे, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। जरूरी नहीं है आपको 2-4 मिनट ही जपना, अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आप 10 मिनट 20 मिनट भी इस मंत्र को जप सकते हैं। उसी चीज़ का ध्यान रखना है, मन में उस चीज़ का, आप पैसे लेने हैं, पैसे नहीं दे रहा, तो उस व्यक्ति की तरफ ध्यान रखना है, उसका चेहरा मन में रखते हुए कि वो आपको पैसे दे रहा है, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, या इस तरह से फील करते हुए पैसे उसने दे दिए, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। आप जितनी आपकी भूख है उतनी देर जप करें और लगातार आप देखेंगे जीवन ऐसे चुटकी में बदल गया, जो काम रुका हुआ था 5-10-15-20 साल से वो भी चुटकी मारते हो गया, इतने प्रभावशाली ये मंत्र होते हैं जिनको हम स्विचवर्ड कहते हैं। अच्छा, जो लोग चाहते हैं, जो अब मैंने आपको बताया था
सुनहरी चाबी वाला। तो एक तो ये हो गया, चमत्कार हो गया, किसी भी चीज के लिए जपेंगे चमत्कार हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कैसे होगा कहाँ होगा, वो चाहे भगवान आके उसके दिमाग में बोले आपका काम हो जाता है, इतने ये प्रभावशाली मैंने देखे हुए हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि पैसा निरंतर आता रहे, पैसा ना रुके, चाहे वो काम करें ना करें, कम थोड़ा करें ज़्यादा करें, चाहे कोई गृहिणी हो घर में रहती है और चूका चूल्हा चौके से बाहर जाती ही नहीं, उसके पास भी पैसा आ जाएगा। जो बच्चा है विद्यार्थी है पर पैसे का कोई सोर्स ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है, उसके पास कैसा पैसा आएगा? आएगा, निश्चित आएगा। जितनी उसका मेहनत कर लेगा इस मंत्र के ऊपर उतना गहराई से पैसा आ जाएगा। कोई लंबा टाइम नहीं देना होता, बस 5 मिनट, ज़्यादा ज़रूरत हो तो 10 मिनट, 15 मिनट, या दिन में जितनी बार आप फ्री हैं उतनी बार जपते रहें, चमत्कार ऐसे होने लगेंगे जीवन में, पलट जाएगा। अति शक्तिशाली ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फ्री में सिखा रहा हूँ और परम चमत्कारिक हैं। स्विच वर्ड के अगर आपको मिलते हैं तो लोग 20 मिनट की वीडियो में एक तो आपको स्विच वर्ड बताएंगे, इसके हजारों हजारों हो सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी धीरे धीरे करके सभी वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आता रहे लगातार, नौकरी कैसी भी हो, बिजनेस कैसा भी हो, कारोबार हो, बेरोजगार हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, या औरत हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या बोलना है? पैसा पैसा पैसा। कब? सुबह उठते ही, दिन में जब भी टाइम हो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, सुनहरी चाबी है ये, रात को सोने से पहले इसको जपते ही जाएं, सोने से पहले 5 मिनट जरूर करना है। पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी, अंग्रेजी में बोलना है, किसी को लगता है उसकी लैंग्वेज जो भाषा है वो अंग्रेजी है तो मनी 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 मनी, और हिंदी वाला है मेरे जैसा है तो पैसा 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 पैसा, ये नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा कैसे आएगा, कचरा नहीं डालना, पैसा 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 पैसा, बस आप इसको करके छोड़ दें, बाकी काम उसका है, वो चमत्कार खुद दिखाएगा आपको। धन्यवाद, नमस्कार, और जितना हो सके कभी वीडियो को आप शेयर कर दिया करो ताकि मुझे उतना मोटिवेशन मिलता है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी आपके लिए और काम से काम की चीज़ें ज़रूर बताया करूँगा।